अन अकेडमी। सो मैं मोटिवेटेड कैसे रहती हूँ? मोटिवेशन ना खुद ब खुद आता है। जब आप सोचते हो ना कि आप जो करने वाले हो वो किस तरीके से बाकी लोगों को बेनिफिट करने वाला है, आप जो कर रहे हो उससे आपकी फैमिली कैसे खुश होगी, उससे आपकी लाइफ को एक मीनिंग कैसे मिलेगा, तो मोटिवेशन खुद ब खुद आ जाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि आपको अच्छा फील नहीं होता, जब रिजल्ट नहीं आ रहा होता, मार्क्स नहीं आ रहे होते, मैं स्टूडेंट की लाइफ की बात करूँ, आप डीमोटिवेटेड हो जाते हो। बट आपको हमेशा याद रखना है कि गिरता हर कोई है, लेकिन जीत किसकी होती है? जीत उसी की होती है जो हर बार जब गिरता है और डबल एनर्जी के साथ और डबल स्ट्रेंथ के साथ उठता है। तो डीमोटिवेट होने जैसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होना चाहिए लाइफ में। अगर हमने कुछ किया, हम उसमें फेल हो गए, हमें वो चीज़ नहीं आई, हमारे मार्क्स नहीं आए, हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो हमें उसको एक लर्निंग की तरह लेना चाहिए। फेलियर्स आर स्टेपिंग स्टोन्स टू सक्सेस, राइट? तो आपको आपके फेलियर्स को इस बात को एनालाइज करने के लिए यूज करना चाहिए कि कहाँ कमी रह गई, कहाँ मैं कमजोर पड़ गया, क्या मैंने ऐसी गलती करी जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। और जब आपको उस चीज़ का आंसर मिलेगा तो अगली बार आपको उस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। सो मेक श्योर कीजिए कि आप सभी लोग फेलियर से डिसअपॉइंटमेंट को दूर कीजिए और फेलियर को एक लर्निंग प्रोसेस की तरह समझिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, एक मोटिवेशन लाने का कॉन्सेप्ट ना टू डू लिस्ट का भी होता है, और बड़ी प्रैक्टिकल सी बात है। आज मैंने एक टू डू लिस्ट बनाई कि मुझे 7 बजे ये करना है, 8:30 बजे ये करना है, मुझे इतने क्वेश्चंस को आंसर करने हैं, मुझे रीजनिंग में ये करना है। मैंने उस टू डू लिस्ट को फॉलो किया। रात को जब मैं सोने जा रही थी तो मैंने चेक किया कि मेरी टू डू लिस्ट कितनी पूरी हुई है, तो मुझे लगा कि मेरी टू डू लिस्ट सिर्फ 50% ही पूरी हुई है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्या करते हैं, इस बात से डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि यार टू डू लिस्ट तो पूरी कभी होती ही नहीं है, और वो अगले दिन उसको बनाना छोड़ देते हैं। बट आपको ऐसा नहीं करना है। आपकी 50% अगर टू डू लिस्ट कम्प्लीट हुई है तो सबसे पहले तो इस चीज़ को लेकर आपको खुश होना है, शुक्रिया करना है भगवान, और अगले दिन का टारगेट बनाना है कि अगर मैंने आज 50% कंप्लीट किया है तो कल मैं कम से कम 60% तो टू डू लिस्ट को कंप्लीट करूँ। तो वो जो टू डू लिस्ट है वही आपका एक मोटिवेशन होगा नेक्स्ट डे को स्टार्ट करने के लिए। हम सबसे ज़्यादा मोटिवेटेड कब होते हैं? हम सबसे ज़्यादा मोटिवेटेड तब होते हैं जब हम अपनी लाइफ में प्लान होते हैं। प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है पूरे पूरे दिन भर पढ़ाई करते हैं। आप में से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो 12 घंटे पढ़ रहे हैं, 15 घंटे पढ़ रहे हैं, लेकिन प्लानिंग नहीं है। कभी भी कुछ भी उठा के पढ़ रहे हैं, आधा उसको बीच में छोड़ दे रहे हैं, फिर कुछ और उठा रहे हैं, इससे फ़ायदा नहीं होगा। मेक श्योर करो कि आप अपने नेक्स्ट डे को एक दिन पहले ही प्लान कर लो और उस हिसाब से आगे बढ़ो। मोटिवेशन खुद ब खुद आएगा। सो सभी लोगों से मुझे एक वादा चाहिए इस वीडियो के लास्ट में कि सभी लोग मुझे ये वादा करेंगे कि हाँ जी मैम, हम टू डू लिस्ट जरूर बनाएंगे, हम डीमोटिवेशन को अपनी लाइफ में एंटर नहीं करने देंगे। जब जब वो एंटर करेगा हम उसे क्लियरली बोल देंगे कि मैं हारने वालों में से नहीं हूँ, मैं रुकने वालों में से नहीं हूँ। हाँ, आज मैं फेल ज़रूर हुआ हूँ, आज मैं गिरा ज़रूर हूँ, लेकिन मैं डबल एनर्जी के साथ उठूँगा और ज़्यादा मेहनत करूँगा, और जो मैंने लक्ष्य अपने लिए सोचा है उसको जब तक मैं प्राप्त नहीं कर लेता तब तक मैं थमूंगा नहीं, तब तक मैं रुकूंगा नहीं। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत सारे स्टूडेंट्स का आता है कि मैम टू डू लिस्ट अब बोलते तो हो कि बनानी है, बट बनाए कैसे? व्हाट इज़ द राइट मेथड? तो कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है। आपकी टू डू लिस्ट क्या होनी चाहिए कि नेक्स्ट डे मुझे इंग्लिश में ये वाली क्लास अटेंड करनी है, इतने क्वेश्चंस करने हैं, मैथ्स में ये वाला टॉपिक करना है, इसके इतने क्वेश्चंस करने हैं, रीजनिंग में मुझे ये करना है, करंट अफेयर्स में मुझे ये वाली PDF कंप्लीट करनी है, वोकैबुलरी के मुझे 10 शब्द अपनी कॉपी में लिखने हैं, ग्रामर के मेरे 120 रूल्स ऑफ ग्रामर फॉर एग्जाम्पल चल रहे हैं तो 5 रूल्स कंप्लीट करने हैं। अच्छा, एक और चीज़, टू डू लिस्ट में आप टाइम लिखो कि आपको किस टाइम पे करना है या मत लिखो, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। बट मैं हमेशा सजेस्ट ज़रूर करती हूँ कि आप टाइम को लिखो। क्यों? क्योंकि जब हम किसी चीज़ का टाइम निश्चित कर देते हैं तो उससे क्या होता है, वो चीज़ उस टाइम पे होती ही होती है। अगर हमने उसका टाइम ही नहीं दिया तो हम उसे प्रोकेस्टिनेट करते रहेंगे, हम उसे डिले करते रहेंगे।
तो अगर आप कंफर्टेबल हो तो मेक श्योर करो कि आप अपने टू डू लिस्ट में टास्क के साथ टाइमिंग भी। An Academy. Let's crack it.